मिडिल ईस्ट से रूस को एक और झटका लगा है। साइप्रस ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। आज टर्किश स्ट्रेट बंद करने पर एर्दोगन ले सकते हैं फैसला। तो लगातार रशिया के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना एयर स्पेस रशिया के लिए बंद कर दिया है। इसका मतलब ये कि रशिया से आने वाला कोई विमान इन देशों में प्रवेश नहीं करेगा और ना ही यहां से कोई विमान रशिया की तरफ जाएगा। नई जानकारी आपको दे रहे हैं, आज टर्किश स्ट्रेट बंद करने पर एर्दोगन ले सकते हैं फैसला। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।